निकालते हैं खास खबर की ओर। शांति देवी पत्नी स्वर्गीय राम सिंह गुर्जर निवास देवड़ा के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर निर्देशानुसार हल्का पटवारी अन्नी देवी सैनी को निर्देशित करते हुए सुखाराम लागड़ी समाज सेवी डॉक्टर श्याम सुंदर सैनी कन्हैया लाल सैनी बीजेपी मंत्री धारा सिंह चंदेला युवा गुजर महासभा अध्यक्ष ने शांति देवी चंदेला पत्नी स्वर्गीय राम सिंह चंदेला राम देवड़ा को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि का चेक वितरित किया। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है किशनगढ़ से, नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला। जी हां, नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर के वीडियो वायरल करने का मामला। आपको बता दें कि आरोपियों को अजमेर विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट में पेश किया। 3 आरोपियों सहित महिला को भी भेजा जेल। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ बारी बारी के साथ 3 युवकों ने किया था दुष्कर्म। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर भेज दिया था महिला को। महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया था वायरल। खास खबर की बीजेपी कार्यालय जयपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया की कृषि बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि कांग्रेस थूक कर झाड़ती है, किसानों की फर्जी BCR भरी जा रही है, दुगना बिल आ रहा है, किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देना चाहिए, कांग्रेस सरकार को एक और किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए। साथ ही प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के किसान आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि उनको फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। कोरोना काल में भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ एक जगह बैठ रहे हैं, उनको समय पर ना कोई राशन पानी की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाई। गहलोत सरकार को प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजस्थान के किसान जनता सब जान चुकी है, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, इसका नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। अपनी आमदनी का हो रहा है सरकार की बात को और इस कारण से आपने देखा होगा कि इतने साल तक बीजेपी राजनीति में रहते हो गया। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस के राज में कभी बड़ी, मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ आज, 50 साल में आपने जब जब जितने जितने रुपया प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है उसकी जोड़ लगा, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो की है आज की तारीख में जो है वो तुम्हारे 50 साल की टोटल से भी ज़्यादा है, ये मेरी गारंटी है, और न चाहो तो आंकड़े के आधार पर भी तुलना करने को तैयार। प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो मेन भाग था वो यही था कि किसान को उसकी कम से कम लागत का 1.5 गुना पैसा मिले। इस देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके 400 रुपया क्विंटल, 500 रुपया क्विंटल, 700 रुपया क्विंटल, 700 रुपया क्विंटल बाजरे का दाम बढ़ा करके किसान को अगर एक अच्छी रकम देने की देखी तो इसमें विरोध की बात क्या है। केवल और केवल सरकार को करना क्या है, मंडी में खरीद आज भी हो रही है कल भी हो सकती है, मंडी की खरीद इससे बंद नहीं हो सकती। केवल मंडी में जो आपका मंडी शुल्क है ये शुल्क आपको वेव करना पड़ेगा। खास खबर की दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा सहित कई गांवों में किसानों का 48वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश दलाल ने किसानों को वीडियो जारी कर नितिन गडकरी से चर्चा का बखान किया। वहीं आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में अधिग्रहण की गई भूमि के 4 गुना अधिक मुआवजे की मांग को लेकर 48वें दिन में किसानों का गांव-गांव ढाणी-ढाणी में धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों ने सरकार को ऐलान करते हुए कहा कि जब तक 2013 के कानून के तहत हम किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा
जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, कालूराम मीणा, नरसीलाल मीणा, लालसोट तहसील अध्यक्ष पप्पूलाल मीणा, तहसील अध्यक्ष कैलाश मीणा, राम गोपाल मीणा सहित अन्य किसान धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे अमृतसर जामनगर, इसमें जो अनियमितताएं राजस्थान सरकार NHAI और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई थी, उस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट हमने नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री को दे रखी और उन्होंने हमारे से बातचीत करके और एक अधिकारियों की कमेटी बना करके उस पर कार्रवाई चल रही है और वो बात बहुत आगे बढ़ गई थी। कुछ न कुछ अभी एक अच्छा फैसला आने वाला था, लेकिन इस बीच में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कोरोना हो गया और वो 14 दिन तक पृथक रूप से रहेंगे, इसलिए ये मामला बीच में थोड़ा सुस्त पड़ गया है। लेकिन जैसे ही मंत्री जी वापिस आते हैं, मुझे विश्वास है कि इस पूरे मामले में वो उचित कदम जैसा भरोसा दिलाया गया था मंत्री जी की तरफ से उठाया जाएगा और किसानों को अपना जो अवार्ड है उसमें संशोधन होके उचित मूल्य के आधार पर अपना मुआवजा मिलेगा। और जहाँ जहाँ रोड बदलवाने की बात है उस मुद्दे को भी हमने उसमें शामिल कर रखा है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमने अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को और थाना अध्यक्ष और SSP को दे रखे हैं। हमारी बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो कानून पूर्ण रूप से हमारे हक में है, हित में है। हम किसी भी प्रकार से लड़ाई हारने वाले नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। अजमेर के अंदर CBSE की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। अजमेर रीजन में करीब 12,000 विद्यार्थी हो रहे परीक्षा में शामिल। नैनवा के अंदर किसान महापंचायत का प्रदर्शन, देई मंडी बंद रखकर जलाई अध्यादेशों की प्रतियां। सिकंदरा के अंदर अज्ञात के शव को परिजनों का इंतजार, दूसरे दिन में मृतक की नहीं हुई शिनाख्त। दौसा में कानाराम बैरवा मीटर रीडर उपभोक्ता के घर पर मीटर की रीडिंग देने गया, जहां पर कानाराम बैरवा जब उपभोक्ता के घर पर मीटर रीडिंग कर रहा था तब उपभोक्ता ने उसके साथ मारपीट की। बारा जिले के अंदर कांग्रेस जनों द्वारा किसान विरोधी काले कानूनों को लेकर के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बारा जिले के अंदर झूठे मुकदमे वापस लेने व रिहा करने की मांग को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।